आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेनन अर्नस्ट, जो कि हिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक है और से क्वेश्चन बनता है। सो रेनन क्रिटिसाइजेज द नोशन सजेस्टेड बाय अदर दैट अ नेशन इज फॉर्म बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। इनका मानना है कि नेशन जो है कॉमन लैंग्वेज, रेस की बेस पर नहीं बनता है, ये गलत बात है। आगे वो कहते हैं कि अगर नेशन बनाना है तो प्लेबिसाइट कीजिए, रेफरेंडम कीजिए, डायरेक्ट वोट, मतलब पूछिए लोगों से कि वो इस नेशन में रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं तो किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कीजिए। डेली रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अ नेशन इज देयर फॉर अ ग्रेट सॉलिडैरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसेस। ये सेक्रीफाइस पर जोर देते हैं। A nation's existence is a daily plebiscite, just as an individual's existence. और आगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर शॉर्ट में हमको हम लोगों को इस बात को समझना है कुछ पॉइंट वाइज, तो उनका फाइनली क्या व्यू है नेशन पर वो देखते हैं। उनका कहना है कॉमन सेक्रीफाइस rather than common language, race, religion. Nation बनता है common sacrifice पर, ना कि common religion, race पर। एक nation जो होगा वहाँ guarantee होगी, guarantee of liberty rather than force. सभी को liberty मिलेगी, right to be consulted on every issue. जो उस नेशन का मेंबर होगा सभी लोगों से पूछा जाए कि रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, इस इशू पर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई मेजोरिटी नहीं होगी। और क्या है सॉलिडैरिटी, एकजुटता, रादर देन डिस्कर्ड कॉन्फ्लिक्ट। इस सिंपल सी बात है, लोग खुशी खुशी एक